आमला नगर के न्यू मार्केट में रविवार सुबह अज्ञात कारणों से भड़की आग ने ऐसा तांडव मचाया कि आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें पूरी तरह राख के ढेर में तब्दील हो गई, जिसमें यहां दुकानों और मकानों में रखी लाखों की संपत्ति पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई है। गनीमत ये रही कि इस दौरान दुकानों से लगे मकानों में सो रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, नहीं तो अनहोनी भी हो सकती थी। मार्केट में वीर चंद्र पटेल के कॉम्प्लेक्स में रविवार सुबह लगभग 5 बजे अचानक आग लगी जो तेजी से फैलती हुई यहां स्थित सभी दुकानों को अपनी चपेट में लेती चली गई। बताया गया है इसी कॉम्प्लेक्स के पीछे हिस्से में मकान मालिक के अलावा कुछ अन्य परिवार भी निवास करते हैं। यहां रहने वालों ने जैसे ही मकान में आग देखी चीख पुकार मच गई, किसी तरह यहां रहने वालों ने अपनी जान बचाई। घटना सुबह की बताई जा रही है जब ज्यादातर लोग नींद में थे, इसलिए आसपास के लोगों को भी जब तक जानकारी मिल पाती कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा हिस्सा आग की आगोश में समा चुका था। इस आगजनी में 7 दुकानों को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें यहां संचालित सोनी होटल, 2 प्रिंटिंग प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, आइस सेंटर, बीज भंडारण की दुकान को बड़ा नुकसान हुआ है। बताया गया है आगजनी से लाखों का नुकसान हुआ है। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि नगर पालिका की 2 फायर ब्रिगेड के अलावा वायुसेना की फायर ब्रिगेड और मुल्ताई से भी फायर गाड़ी बुलाना पड़ा। लोगों के मुताबिक पूरी आग को काबू करने के लिए 30 से ज्यादा टैंकर पानी खर्च किया गया। आमला से दुर्गा प्रसाद जौनजारे की रिपोर्ट, SCN न्यूज।